फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अलग टाइप का वीडियो है। अलग टाइप का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी है दिवाली का टाइम और मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ें अभी ली हैं। सो ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है क्योंकि ये सारी बहुत यूजफुल है, बहुत ही प्रिटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है एक बॉटल। अब बॉटल सोच के आप सोचेंगे कि बॉटल में क्या खास बात है, लेकिन सचमुच में एक खास बात है। मैंने अपनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हटा दी है, जैसे कि मालूम है आप सभी को मेरे व्लॉग अगर आप देखते हैं तो। सो मैं धीरे धीरे अपने किचन को प्लास्टिक फ्री कर रही हूँ। एकदम से करना तो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर मैं ग्लास जार्स या फिर तांबे पीतल की चीज़ें, स्टील की चीज़ें अपने किचन में डाल रही हूँ। तो उसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए मैंने ली है कॉपर की बॉटल और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्रिटी बॉटल है ये। और ये सारी चीज़ें मैंने बुलबुल से ली हैं। सारी चीज़ें आपको नीचे मेरे स्टोर में मिलेंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं और जो भी आपको खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीजें आपको अभी इस वीडियो में देखने मिलेंगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो है ये बॉटल। ये देखिए आप, स्टोन प्रिंट की ये बॉटल है, बटरफ्लाईज इसमें बने हैं। कितनी प्रिटी बॉटल है, आई कांट टेल यू। ये पता नहीं कैमरा उतना जस्टिस कर रहा है कि नहीं। साइड में मैं एक पिक भी डाल दूंगी सो दैट आप इसको अच्छे से क्लियरली देख सके। और देखिए ये है ना, कॉपर की बॉटल है इस तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं कॉपर की चीजें जो होती हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सो ऐसी ये एक बॉटल है। और एक और बुलाई है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये जो है वो है लीफ प्रिंट में, फ्लावर्स लीफ इस टाइप से इसमें बने हुए हैं। और सोचिए इसे आप किचन में रखेंगे तो ये कितना प्रिटी लुक आएगा इसको रखने पे, बहुत ही अलग टाइप का। क्योंकि कॉपर ऊपर से कॉपर दिखता है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये तो और भी अच्छा सोने पे सुहागा। तो देखिए इस तरीके की दो बॉटल्स हैं और इन सब की जो लिंक है वो मैंने बताया आपको, मेरे स्टोर में नीचे मिल जाएंगी। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं दिवाली का टाइम है तो मैंने बुलाई है ये लाइट्स। और ये है स्टार लाइट, जो कि आने वाले व्लॉग में मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि मैंने इसको कहाँ लगाया है। अभी मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। सो ये देखिए इस तरीके से ये स्टार्स हैं, बड़े वाले स्टार, देन ये छोटे छोटे स्टार्स। और ये लगने के बाद है ना बहुत ही प्यारा लगता है। साइड में मैं एक पिक डाल दूंगी, वो आप देखिएगा। और इसको मैं आपको जला के भी बताऊंगी कि ये कैसी लगती है। सो ये अभी देखिए आप, ये कितनी प्यारी है। और ये मैं बालकनी में लगाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। कहाँ कौन सी बालकनी में लगाती हूँ ये तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है ओवल शेप मल्टी कलर प्लांटर्स और इसमें दो कलर्स हैं, एक तो ग्रीन है और एक है ये पर्पल। और बहुत ही प्यारा लगा मुझे, अच्छा खासा बड़ा साइज है। इसके साथ सारे अटैचमेंट्स आए हैं। इस टाइप से आप इसको लगा के इस टाइप से ऐसे लगाएंगे। और क्योंकि मेरी बालकनी में ना ग्रिल बनी हुई है तो उसमें इजीली ये फंस जाएगा ऐसे करके, और ये बहुत ही प्रिटी लगेंगे। सो ऐसे दो मैंने प्लांटर्स बुलाए हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजर है जो कि मैंने सोचा तो था कि मैं श्रिया के लिए बुला रही हूँ। सो श्रिया के रूम के लिए बुलाया है ये मैंने। इसमें हम इस तरफ मैगजीन्स या स्टोरी बुक्स रख सकते हैं, बहुत सारी स्टोरी बुक्स आ जाएंगी। और इसे हम स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं या कोई भी टेबल पे या कोई भी कॉर्नर पे, जहाँ पर भी आपके पास स्पेस हो रख सकते हैं। अलमीरा में भी रख सकते हैं। सामने की तरफ फ़ोन आ जाएंगे, या फिर फ़ोन नहीं रखना है तो पेंसिल्स, पेंस, डायरीज स्मॉल वाली जो कि नोटपैड डायरीज होती हैं वो सब ये यहाँ पर आ जाएगा। अंदर की तरफ एक ये दिया हुआ है पार्टीशन करने के लिए। सो आप यहाँ पर देखिए कितनी इसकी ब्रॉडनेस है। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी बुक्स रख सकते हैं या फिर साइड टेबल पे रख सकते हैं, रात में पढ़ने के लिए चाहिए रहता है। इसमें पेन वगैरह डाल के रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह डाल सकते हैं। तो ये अच्छा खासा एक ऑर्गेनाइजर है। ये मुझे बहुत इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसे बुलाया। तो ये मैं डेफिनेटली, श्रिया को बहुत पसंद आएगा और ये मैं उसके रूम में रखूँगी। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ। सो नेक्स्ट है ये
लव साइन, आई होप मैंने सही पकड़ा है, हाँ। सो नेक्स्ट है ये लव साइन, और ये मुझे अपने रूम के लिए चाहिए था। बहुत अच्छा लुक आता है जब रात में हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं और आराम से बैठकर बातचीत करते हैं, तो बस ये लव साइन को आप जला लीजिए इस तरीके से। ये इसमें ये यूएसबी वाला डेटा केबल आता है, आप चाहे तो सेल के थ्रू भी इसको जला सकते हैं, दोनों इसके साथ अटैचमेंट है। और ये जो मैंने अभी आपको लाइट दिखाई ना स्टार वाली, इसके साथ भी प्लग पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से आए हैं। ये इस टाइप से आया है और एक ये ऐसा वाला आया है, और इसको भी मैं आपको जलाकर बताऊंगी। ये आप, क्योंकि मैं ना सोच रही थी कि मुझे सेल वाले नहीं चाहिए, बार बार सेल डिस्चार्ज हो आते हैं फिर सेल बदलते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें, आप चाहें तो सेल भी डाल सकते हैं, और मैं तो बस प्लग पॉइंट वाला काम करूँगी, यानी कि ये यूएसबी वाला। ये बहुत ही प्रिटी लगेगा मेरे रूम में, कहाँ लगाऊंगी मैं आपको जल्द बताऊंगी अपने आने वाले व्लॉग में, जो कि आई थिंक पार्ट टू व्लॉग जो मेरा होगा उसमें आपको देखने मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो ये है एक डिफरेंट चीज। देख के आपको कुछ समझ में आ पा रहा है क्या कि ये क्या है? सो मैं बताती हूँ आपको, ये है वाटर हीटर, और ये मैं लगवाने वाली हूँ अपने किचन में। ये इस टाइप से कुछ लगेगा, मुझे तो प्लम्बर से लगवाना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ लगेगा। इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर का अटैचमेंट दिया हुआ है, और आप जैसे इसको प्लग इन करेंगे ना, तो अगर आप हॉट वाटर की तरफ करेंगे तो गर्म पानी इसमें से आएगा, और ये इस टाइप से दिया हुआ है। ये देखिए आप, ऐसे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा यूं, और इसमें से गरम पानी आएगा, और अगर आपको गरम नहीं चाहिए तो आप कोल्ड की तरफ कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप स्टॉप कर दीजिए। तो ये तीन इसमें ये आए हुए हैं, और यहाँ से ये नल फिक्स हो जाएगा जो कि प्लम्बर आराम से फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पे एक प्लग पॉइंट है तो आराम से ये भी लग जाएगा आगे कोई भी स्विच में। तो ये मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा है, और फ्रेंड्स किचन का पानी जो रहता है ना बहुत ठंडा रहता है। अब बाथरूम वगैरह में तो गीज़र लगा है, बट किचन में मुझे चाहिए था कि जब भी मैं हाथ वगैरह धोऊं या थोड़े बहुत बर्तन वगैरह धोऊं ना, तो ये गर्म पानी उसमें आए। तो ये अटैचमेंट मैं डेफिनेटली अपने किचन में लगवाने वाली हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इससे मुझे मदद मिलेगी, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। आप लोगों को अगर ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको चाहिए तो मेरे स्टोर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं ये चीज बार बार मालूम है क्यों बोल रही हूँ कि स्टोर पे जाके चेक करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने लिंक नहीं दी, तो लिंक बताइए कहाँ से लें ये बताइए, तो इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि आप जाके स्टोर पे चेक करें, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और इसकी और भी वेराइटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो भी मैं बता रही हूँ उसमें अलग अलग कलर, अलग अलग वेराइटीज में आपको चीजें मिलेंगी। और मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगता है बुलबुल का, कि इसमें सबकी वीडियोस रहती हैं, मतलब पिक्चर्स नहीं रहते, वीडियोस रहती है। तो वीडियोस तो डेफिनेटली देखने में उसमें ये सब चीज़ समझ में आती है ना, पिक्चर में तो एक पिक्चर रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ आपको, अगेन ये मैंने बुलाए हैं प्लांटर्स बाहर के लिए हैंग करने को, और ये मैंने तीन कलर्स में लिए हैं, ये है पिंक, देन वाइट, देन रेड। ये तीन कलर्स में मैंने लिए हैं, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी का है, बड़ा साइज का, और इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी जिसे कहते हैं हम। तो तीन आए हैं इस टाइप से, और इसके साथ हैंग करने के लिए जो है चेन भी आई है, ये आयरन की है, ऐसे प्लास्टिक की नहीं, अक्सर प्लास्टिक वाली चेन टूट जाती है ना फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप से हुक है, और ये तीन जगह से हम इसको अटैच कर सकते हैं और हैंग कर सकते हैं बालकनी में या जहाँ पर भी आप हैंग करना चाहते हैं। तो ये मैंने तीन बुलाए हैं, और तीनों के साथ ये चेन आई हुई है। इसी प्लांटर्स के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे, सारे प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हैं फ्रेंड्स, जो मैंने सोचा आप सभी से शेयर ज़रूर मुझे करना चाहिए, क्योंकि हमेशा डेकोर और दूसरी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट्स भी आप सभी से शेयर करना चाहिए,
क्योंकि ये आपके यूज में आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत डिफरेंट टाइप की वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स मैं नीचे अपने स्टोर में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आप सभी से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली।